नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको रीवा की गुड़ की ओर, जहां ट्रैक्टर मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक की हुई मौत और एक जबलपुर में रेफर। सरपंच प्रत्याशी जबलपुर रेफर तो पंच प्रत्याशी की हुई घटनास्थल पर मौत। आपको बता दें, गुड़ नगर परिषद सीमा से लगे ग्राम पंचायत चौड़ियार स्थित अतरारी निवासी सरपंच पद हेतु गुड़ तहसील में पर्चा दाखिल करने वाले दयाशंकर तिवारी पिता व्यास तिवारी उम्र 32 वर्ष एवं पंच पद का पर्चा दाखिल करने वाले संजय कोल पिता शंकर कोल की घटनास्थल पर मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों प्रत्याशी गुड़ तहसील में पर्चा दाखिल करने के बाद अपने निजी मोटरसाइकिल से गुड़ से रीवा की ओर दोनों रात 8 बजे के समय रवाना हुए और जैसे ही गैरी पकड़ा के पास पहुंचे तभी आगे जा रहे एक ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें संजय कोल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दयाशंकर तिवारी को घायल अवस्था में गुड़ पुलिस द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने श्री तिवारी को जबलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि संजय का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर। सर, गुड़ थाना अंतर्गत रात्रि में एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, गुड़ थाना अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है। ये चौड़ियार का रहने वाला था संजय कौल, 24 वर्ष उम्र है इनकी, और एक उनके साथ में थे दयाशंकर तिवारी। ये दोनों लोग स्कूटी से जा रहे थे, ट्रैक्टर वाले ने किसी ने टक्कर मारी जिसके कारण से दोनों को चोट लगी और उसमें संजय कौल की तो मृत्यु हो गई। और जो दयाशंकर तिवारी हैं इनको रेफर किया गया था एसएमएस पर, यहाँ से जबलपुर रेफर हो गए हैं। इनकी हालत भी गंभीर है। ट्रैक्टर जिसने टक्कर मारी थी थाना प्रभारी गुड़ के द्वारा, उस ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। ट्रैक्टर कौन चला रहा था, किसका ट्रैक्टर, इस संबंध में पतासाजी की जा रही है। ये अभी प्राथमिक जांच में निकल के आया है कि एक्सीडेंट का मामला है और पुलिस इसमें पूरी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। प्रत्याशी, हाँ, इसमें जो संजय कौल है ये बता रहे हैं कि सरपंच पद के लिए इन्होंने संभवतः फॉर्म डाला हुआ है और जो दयाशंकर है उन्होंने पंच पद के लिए फॉर्म डाला हुआ है। इस संबंध में भी थाना प्रभारी अभी जानकारी ले रहे हैं, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है।